जानते होंगे घर में जो औरतें बड़ी बनाती है ना, बड़ी सफेद वाला जो कद्दू होता है जिसको आप लोग भैते कोड़ा कहते हैं या क्या कहते हैं, उसको हंसी नहीं, मिसाल में आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, उसको पहले हंसवा से चीर के आधा करती है और उसके बाद कुर्नी जो देखा है अपने लोहे की है ना, वो उस कद्दू के ऊपर से पूरा उसके गोश्त को महीन महीन निकाला जाता है और नीचे छिलका बाकी रहता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अगर हमारे आपके अंदर ईमान है, हमारे औरों के खिलाफ हो जाने चाहिए, उस जमाने के मुसलमानों को दुश्मन बांध करके लोहे के आंकड़े से बदन के गोश्त को वैसे ही निकाल लिया जाता था और हड्डियां अलग कर दी जाती थी, लेकिन मां उसने खुदा निकाली नहीं, इतनी बड़ी शक्ति भी उसे दीन से नहीं फेर सकी। तब भी अपने जमाने में एक ही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने एक अल्लाह को माना है, एक रसूल को माना है। ऐ दुश्मन, तुम्हें जो जी चाहे कर लो, हमारे दिल से हमारा ईमान नहीं निकल सकता। कहां ईमान हमारा, कहां गया ईमान हमारा? मुसलमानों, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं जानते, नहीं जानते मुअज्जिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी, काले कलोटे इंसान, ईमान का पहाड़, कितना मजबूत पहाड़ ईमान का, कि दुश्मन आग का अंगार, कोयला पत्थर जो होता है मुसलमानों, उसकी आग में बड़ी तेजी होती है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मनों ने इस्लाम, उनका मुशरिक काफिर सरदार, जब इनकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा निकला, उसे ईमान से फेरने के लिए, मुशरिक बनाने के लिए, अपनी आजमाइश की भट्टी में हजरत बिलाल को जितनी मर्जी तपाया, लेकिन जबान में एक ही कलमा था, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कैसे तपाया मालूम? कोयला, जलता हुआ कोयला, पत्थर कोयले पे लेटा दिया जाता और सीने पर 10 किलो 20 किलो का नहीं, क्विंटल डेढ़ क्विंटल का पत्थर उठा करके सीने पर रख दिया जाता और कहता था, बिलाल कहो मोहम्मद को नबी नहीं मानेंगे, अल्लाह को रब नहीं मानेंगे। बिलाल की जबान से एक ही आवाज निकलती थी, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये था ईमान उस दौर के मुसलमानों का। मुसलमानों, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चीरा गया आरे से, हजरत यासिर को चीरा गया आरे से, और हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुअर्रिखीन लिखते हैं, अव्वल शहीदतिन फिल इस्लाम, इस्लाम में शहीद होने वाली सबसे पहली खातून इस्लाम हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल लानतुल्लाह अलैह ने उनके शर्मगाह में नेजा मार करके उस खातून इस्लाम को शहीद किया, लेकिन इस्लाम से उन्हें फेर नहीं सका। तो फाइल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक से एक जुमला आल यासिर के लिए निकाला था, सब्रन या आला यासिर फैन्ना मौअदकुमुल जन्ना, ऐ यासिर के घराने के लोगों, सब्र से काम लो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। मुसलमानों, आप अपनी तारीख पर नजर डाल करके, असलाफ की तारीख पर नजर डाल करके अपने जमाने को देखें कि उनका ईमान और हमारा ईमान कितना फर्क आ गया है। बाप बेनमाज, बाप अगर नमाजी है, पांच बेटे हैं, पांचों बेनमाजी, उस पर भी सब पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बेटे कमा के खूब ला रहे, नऊज़ बिल्लाह, आपकी भी नमाज तबाह हो गई। मां नमाजी है, बेटियां सारी बेनमाजी, बेटे बेनमाजी, बहुएं बेनमाजी, पोता
की शर्म आती है सामने स्टेज के सामने ऐसे बेगैरत नौजवान इस गांव के या किसी गांव के हो आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। आपने यहां जलसा सजाया है, इस घर में तीन चार बार आना जाना हुआ, एक बार मस्जिद गया, एक बार कजाए हाजत के ले गया, इस दरख्त के नीचे क्या कहूं सिगरेट नोशी हो रही है, शर्म नहीं आती नौजवानों तुम्हें, हराम खोर में तुम्हारा दिन गुजर रहा है, तंबाकू नोशी में तुम्हारा दिन गुजर रहा है, सिगरेट नोशी में तुम्हारा दिन गुजर रहा है, बेनमाजपन में तुम्हारा दिन गुजर रहा है, गाली गुलौज में तुम्हारा दिन गुजर रहा है, बुरिया तस्वीरों में तुम्हारा दिन गुजर रहा है, नंगी औरतों को देखने में तुम्हारा दिन गुजर रहा है, तुम्हारा ईमान कहां? अल्लाह तुम्हारे पर मुसल्लत करेगा कि नहीं करेगा जालिमों को? इसीलिए मुसल्लत किया है तुम्हें सबक पढ़ाने के लिए, मुसलमानों सबक पढ़ाने के लिए, सबक दिया है रब्बुल आलमीन। हमारी दुआएं बेअसर है, करतूत का नतीजा है ये। आज सीए लाया, कल एनआरसी लाएगा, परसों कुछ और लाएगा, उसके बाद कुछ और लाएगा, और आपको डिटेंशन कैंप में रख करके कभी भूखा मारेगा, कभी गोलियों से मारेगा, डंडे से आपका सर फोड़ेगा, आपके बदन से गोश्त को लोहे के आंकड़े से नोचेगा, गोलियों से आपके सीने को छलनी की जाएगी, आपके सामने आपकी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, आपकी बहू की इज्जत लूटी जाएगी, आपकी बहन की इज्जत लूटी जाएगी, आपकी बीवी की इज्जत लूटी जाएगी। अगर हमारा आपका हाल यही रहा मुसलमान, हमने अगर आपको नहीं पहचाना, हमने अगर अपने मालिक के हकीकी को नहीं पहचाना, हमने अगर अपने कादर मुतलक खालिक अर्ज़ो समा मालिक दो जहां रब्बुल आलमीन को नहीं पहचाना, तो हमारा हाल यही होगा, यही दिन हमें देखना पड़ेगा। दूसरों के लाख जूते खाते खाते हमारे दिन गुजर जाएंगे, दूसरों के जूतियों के नोक पे हमारी पेशानी होगी, हमें ठोकर मारेगा, यहां से वहां लुढ़काएगा, वहां से मारेगा जूता, वहां जाओगे मुसलमानों, वहां से जूता मारेगा, वहां जाओगे, कहां जाओगे, किस जगह जाओगे? अल्लाह ने तो वादा किया इन्नल अर्दा यरिसुहा इबादिस सालिहून, जमीन की विरासत का, जमीन की खिलाफत का अगर है इबादिस सालिहून, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मेरे नेक बंदे इस जमीन के वारिस होंगे, लेकिन आज अल्लाह की जमीन का वारिस कौन बना बैठा है? अल्लाह के घर का दुश्मन, अल्लाह के घर का दुश्मन, अल्लाह के बंदों का दुश्मन, अल्लाह की बंदियों का दुश्मन, ये दुश्मन अल्लाह की जमीन का वारिस बना बैठा है मुसलमानों, क्योंकि हम अपने अंदर इस जमीन का वारिस होने का, अपने अंदर इस जमीन का वारिस बनने की हैसियत अपने अंदर हम नहीं पाते हैं। काबा